नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एक पी में और आज हम पढ़ेंगे सात मई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर उससे जुड़े हुए दस महत्वपूर्ण सवालों को आज हम डिस्कस करेंगे और जैसा कि मैं आपको बताता ही रहता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो कर भी दिया करो भाई और यदि ये पी आप प्राप्त करना चाहते हैं करंट अफेयर की तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज़रूर से ज्वाइन करो उस पर यह पी आपको फ्री में मिल जाएगी ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम इसको देखते हैं देखें यहाँ पर पहला प्रश्न किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से तीन श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है ठीक है बेसिकली पॉइंट ये है यहाँ पर कि वह कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अभी चूंकि देखिए जितने भी श्रमिक हैं वो लौट लौट के अपने घर जा रहे हैं क्योंकि कंपनियां सारी बंद हैं तो इतने सारा जो जो श्रमिक हैं जो खाली बैठे हुए हैं वो कैसे उनका घर कैसे चलेगा तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया है तीन श्रमिक योजनाओं को लॉन्च किया है एक साथ बहुत बड़ी योजनाएं हैं ये तो प्रश्न ये है कि वह कौन सा स्टेट है जिसने इनको लॉन्च किया है ऑप्शन है बिहार पंजाब झारखंड और कर्नाटक और इस सवाल का जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है झारखंड गवर्नमेंट झारखंड गवर्नमेंट ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने हेतु तीन विशाल कार्यक्रम लॉन्च किए हैं कौन कौन से हैं वो कार्यक्रम जरा हम डिस्कस कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे कौन कौन से कार्यक्रम है वो तो आप यहाँ देख पाएंगे पहला कार्यक्रम है बिरसा हरित ग्राम योजना ये नाम याद रखिएगा पेपर में ये नाम से भी पूछ सकता है कि बताइए वो कौन सा स्टेट है जिसने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है या नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और तीसरी है वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना ठीक है तीन योजनाएं हैं यहाँ पर पहली है बिरसा हरित ग्राम योजना दूसरी है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और तीसरी है वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना ये तीन योजनाएं हैं जो कि लॉन्च की हैं यहाँ पर किसने झारखंड गवर्नमेंट ने ठीक है ना इस योजना का उद्देश्य क्या है इन योजनाओं का उद्देश्य है कि जो राज्य में छह लाख मजदूर वापस लौटे हैं विभिन्न जगहों से उनको करने के लिए कुछ काम उपलब्ध हो सके ठीक है ना अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो इसलिए गठित की गई हैं ये तीन योजनाएं झारखंड सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है जो हमारे लोग विदेशों में अब भी फंसे हुए हैं वैसे तो ज्यादातर लोगों को बुला लिया गया लेकिन अब भी जो लोग फंसे हुए हैं ना तो उनको वापस लाने के लिए कौन सी योजना चला रही है कौन सा ऑपरेशन चला रही है नेवी ऑप्शन है समुद्र सेतु समुद्र चक्र समुद्र जन या समुद्र देव और इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है समुद्र सेतु समुद्र सेतु योजना चला रही है इंडियन नेवी विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस बुलाने के लिए आप देख सकते हैं भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है इस ऑपरेशन के पहले चरण में 8 मई 2020 से भारतीय नागरिकों की निकासी का अभियान शुरू होगा पहले ट्रिप में एक लोगों को विदेशों से वापस लाया जाएगा ठीक है अभी ये देखने वाली बात होगी कि पहले चरण में कहां सेलेक्ट किया गया है किस देश से सेलेक्ट किया गया है लोगों को लाने के लिए है ना आठ मई से ये शुरू होगा ध्यान रखेंगे ऑपरेशन समुद्र सेतु तो। आगे देखें प्रश्न नंबर तीन कोविड नाइनटीन महामारी की वजह से ठीक है कोविड नाइन्टीन महामारी की वजह से राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स कितने वर्षों के लिए स्थगित कर दिया है कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं सबको पता ही है भारत में भी एक बार हो चुके हैं है ना जिसमें सुरेश कलमाड़ी ने बहुत धंगड़ा घोटाला कर दिया था सबको पता ही है वो है ना तो राष्ट्रमंडल खेल जो हैं कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं उनको कितने सालों के लिए निलंबित कर दिया गया है स्थगित कर दिया गया है वुहान वायरस के कारण ऑप्शन है एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष या पाँच वर्ष और इसका सही जवाब है विद्यार्थियों दो वर्ष अगले दो वर्षों तक कैंसिल कर दिया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स को कोविड 19 महामारी की वजह से ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण है ठीक है अब देख सकते हैं यहां पर कोविड महामारी की वजह से राष्ट्र संघ खेल महासंघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स को दो वर्षों के लिए यानी 2023 तक स्थगित कर दिया है और मैं आपको बता दूं देखिए टोक्यो ओलंपिक भी कैंसिल हो चुके हैं ठीक है ओलंपिक खेलों का भी आयोजन होना था इस बार हालांकि मैं आपको बता चुका हूं ओलंपिक खेलों का भी आयोजन होना था लेकिन भैया ये खेल भी हो गए कैंसिल क्योंकि कोरोना की वजह से सब लोग जो है घर पर ही रहे, तो ज्यादा अच्छा है तो ओलंपिक भी कैंसिल हो गए और राष्ट्रमंडल तो दो सालों के लिए कैंसिल हो ही गए ठीक है अब ये देखने वाली बात होगी कि ओलंपिक खेल जो है इस वर्ष हो पाएंगे या इस तो खैर मुश्किल लगता है शायद अगले वर्ष भी ना हो ऐसी मुझे लग रही है संभावना शायद ऐसा हो अब देखने वाली बात होगी भविष्य में क्या होता है चलिए आगे देखें निम्न में से किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिनों का रोजगार देने की घोषणा की है ठीक है किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है ऑप्शन है दिल्ली कैबिनेट महाराष्ट्र कैबिनेट बिहार कैबिनेट या हिमाचल कैबिनेट और इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है हिमाचल कैबिनेट हिमाचल कैबिनेट ने यह घोषणा की है कि जो भी लोग कोरोना वायरस की अवधि के दौरान अनएम्प्लॉय हैं बेरोजगार हैं जो मजदूर बेरोजगार हैं जो वापस लौट रहे हैं उनको हम एक सौ दिनों का गारंटी रोजगार देंगे है ना ध्यान रखेंगे हिमाचल कैबिनेट का ये फैसला फैंस, है है ना आप देख सकते हैं पूरा जानकारी हिमाले, आ, हिमाचल कैबिनेट के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार देने के तहत 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है साथ ही जरूरी हुआ तो लोगों को कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा चलिए आगे बढ़ें आगे देखें प्रश्न नंबर पांच अमेरिका में भारतीय मूल की अभियोजन को न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है बेसिकली पॉइंट ये है कि वह भारतीय मूल की कौन सी महिला हैं जिनको न्यूयॉर्क की अदालत में जज बनाया गया है भैया अभी जज बन गए हैं ठीक है थीके? क्या नाम है उनका ऑप्शन है सरिता कोमाते रेड्डी सविता कोमाते रेड्डी सुष्मिता कोमात रेड्डी या सुमन कोमात रेड्डी और वो महिला हैं सविता कोमात रेड्डी ठीक है वो महिला कौन है विद्यार्थियों? सरिता कोमात रेड्डी जिनको न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि भारतीय मूल की हैं, ठीक है थीके? देख सकते हैं आप लोग भारतीय मूल की अभियोजक सरिता कोमात रेड्डी अमेरिका की न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं 12 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए सरिता कोमात रेड्डी को नामित किया था चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए इसको हम ध्यान रखेंगे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं तो वो हैं रंजन चौधरी किस पार्टी संबंधित है ये हमारे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन चलिए प्रश्न बनाना था तो बना दिया गया फिलहाल कांग्रेस ही है मैं आपको बता दूं तो लोक लेखा समिति से हम बोलते हैं पीएसी अब ये पीएसी ये पुलिस वाला पीएसी नहीं है ये है पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति ठीक है लोक लेखा समिति जो है काफी महत्वपूर्ण है और लोक लेखा समिति जो है संसद की जो विभिन्न समितियां होती हैं है ना उसमें एक महत्वपूर्ण समिति है संसद की समितियों में जैसे आपने सुना होगा प्राकलन समिति होती है लोक लेखा समिति होती है है ना ये काफी महत्वपूर्ण समितियां हैं ये दो वैसे होती तो बहुत सारी है तो इनमें पी काफी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूँ पी जो है इसका गठन यानी लोक लेखा समिति का गठन जो है 1919 के मांगटे क्यू सुधार अधिनियम के अंतर्गत किया गया था 1919 में ये ध्यान रखना पी की शुरुआत कब से हुई थी 1919 में लोक लेखा समिति की शुरुआत हुई थी 1919 में और ये अभी तक चल रही है यदि कोई आपसे पूछ ले कि बताइए इस समिति में कितने सदस्य होते हैं पी में तो पीएससी में टोटल मेंबर होते हैं बाईस ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं बाईस जिसमें से पंद्रह होते हैं लोकसभा से तथा सात होते हैं राज्यसभा से ये भी ध्यान रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा से कितने होते हैं पंद्रह राज्यसभा से होते हैं सात टोटल होते हैं बाईस अब इसका अध्यक्ष कौन होता है तो मैं आपको बता दूं <coughs> मैं आपको बता दूं उन्नीस से ही ये परंपरा चली आ रही है 1967 से ही ये परंपरा चली आ रही है कि पीएसी समिति जो पीएसी होगी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होगी उसका अध्यक्ष कोई विपक्ष का नेता होगा ये बात ध्यान रखना आप विपक्ष का नेता ही इसका अध्यक्ष होता है ऐसा कोई संविधान में नियम नहीं है ये एक परंपरा है ठीक है तो विपक्ष का नेता ही कोई होता है ऑब्वियस बात है कांग्रेस विपक्ष में है है ना तो उसी के एक नेता रंजन चौधरी को पी का अध्यक्ष बनाया गया है कोई अगर पूछ ले कि इसका काम क्या होता है पीएससी का तो यह भी ध्यान रखिएगा एस का जो काम है विद्यार्थियों वो है सीएजी की रिपोर्ट की जांच ठीक है सीएजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा कॉम एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक जो है भारत सरकार तथा राज्य सरकार के जो खाते हैं उनकी जांच करता है तथा उस रिपोर्ट को पेश करता है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को पेश करते हैं संसद में और संसद में उस रिपोर्ट की जांच की जाती है लोक लेखा समिति के द्वारा ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं इनको हम ध्यान रखेंगे बाकी जब संविधान पढ़ाया जाएगा तब तो ये आएगा ही फिलहाल यहाँ टॉपिक था तो आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी ठीक है ध्यान रखना रंजन चौधरी बन गए हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड और इनका कार्यकाल कितना होगा तो भैया कार्यकाल होगा एक साल एक साल के लिए ही समिति होती है चलिए भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखिए आप एक्स्ट्रा जानकारी इसमें देख सकते हैं ठीक है इस समिति का कार्यकाल एक मई 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक का होगा यानी वही एक साल पूरा का पूरा होगा जो मैंने आपको बताया वही सब है आ, आगे देखें प्रश्न नंबर सात किस राज्य के हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया बेसिकली पूछ रहा है अजय कुमार त्रिपाठी किस किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया ऑप्शन है दिल्ली हाई कोर्ट पंजाब हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट तो इसका जवाब है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ध्यान रखना छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी जी का निधन हो गया आप देख सकते हैं यहाँ पर तो और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कोरोना पीड़ित थे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया वे कोरोना से पीड़ित थे तथा उनका इलाज भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के ट्रामा सेंटर में चल रहा था ठीक है कोरोना पीड़ित थे भैया निधन हो गया इस वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं त्रिपाठी जी मरते तो सभी हैं लेकिन त्रिपाठी जी कोरोना से मरे हैं हाईकोर्ट के जज थे छत्तीसगढ़ के तो महत्वपूर्ण है एग्जाम में आपसे पूछ सकता है चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर छ मई को भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है ऑप्शन है इंटरनेशनल नो डाइट डे इंटरनेशनल डाइट डे इंटरनेशनल ह्यूमन बॉडी डे इंटरनेशनल साइंस डे और इसका जो सही जवाब है विद्यार्थी वो है इंटरनेशनल no नो डाइट डे यानी नो डाइट का मतलब है कि भैया कोई डाइट नहीं लेनी है जैसा मन में आ रहा है वैसा खाओ सूखे रहना चाहते हो पतले रहना चाहते हो तो सूखे पतले रहो खूब मोटे होना चाहते हो तो खूब बहरा के खाओ मोटे हो जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जैसे हो वैसे रहो इस बात को इंडिकेट करते हुए ये दिवस मनाया जाता है कैसे कैसे दिवस होते हैं आप देख सकते हैं छः मई को विश्व भर में इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है इस दिवस की शुरुआत नब्बे के दशक में ब्रिटिश महिला मैरी इवानस ने की ताकि लोग जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें अपने आप को बदलने का प्रयास ना करें अब ये चीज़ देखिए खराब भी है और अच्छी भी है, है ना हो सकता है अगर आप ज़्यादा गलत हैं और आप सुधार नहीं करेंगे तो ये चीज़ खराब है लेकिन अगर सुधार की गुंजाइश है तो आप कर लेते हैं तो ये चीज़ अच्छी भी है तो दोनों ही चीज़ें हैं अपना अपना नजरिया है चीज़ों को देखने का चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे देखिए प्रश्न नंबर नौ निम्न में से किस देश के रक्षा मंत्री नफ्त अली बैनेट ने उनके संस्थान द्वारा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया है ये आज के न्यूज़पेपर की न्यूज थी विद्यार्थियों जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ है ना दैनिक जागरण की ये न्यूज़ है कि किस देश ने मतलब सबसे एंड में आप देखेंगे पेज पे तो वहाँ बिल्कुल हाईलाइट थी ये है, है ना कि इसराइल ने इसको बना लिया है और उनके रक्षा मंत्री हैं नफ्त अली बेनेट तो इसका सही जवाब क्या होगा विद्यार्थियों हो, नफ्त अली बेनेट ने उनके संस्थान द्वारा कोरोना वायरस को ख़त्म करने की दवा बना ली है और ये किस देश के रक्षा मंत्री हैं तो इसराइल के हैं ध्यान रखिएगा इसराइल जिसके पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू इनके खिलाफ इसराइल की राजधानी में काफ़ी विरोध चल रहा है काफी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं आप में से कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि इसराइल की राजधानी क्या है यह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसराइल की राजधानी क्या है पीएम मैंने आपको बता दिया है बैन जाम में नैतनयाहू आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे इसराइल की राजधानी क्या है चलिए ठीक है यही है कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन एंटीबॉडी विकसित करने का दावा रक्षा मंत्री नफ्त बेनेट ने किया है और वो ये भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सटीक दवाई है और जल्दी हम इसका पेटेंट भी करवा लेंगे ये देखने वाली बात होगी कि, कि किस तरीके से पेटेंट होता है और ये कारगर है भी या नहीं चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और, और आज के लिए अंतिम प्रश्न गूगल और किस कंपनी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए जा रहे लोकेशन ट्रैकिंग एप्स को बैन करने की घोषणा की है गूगल और किस कंपनी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए जा रहे लोकेशन ट्रैकिंग ऐप्स को बैन करने की घोषणा की है ऑप्शन है अमेजन माइक्रोसॉफ्ट एप्पल और फेसबुक तो गूगल ने तो की है वो तो कर ही रहा है एक कंपनी और है जो इसका विरोध कर रही है और वो है एप्पल एप्पल और गूगल दोनों ही इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये जो है कोरोना को लेकर जो लोकेशन ट्रैकिंग एप्स जो बनाए जा रहे हैं ये बैन होने चाहिए आप देख सकते हैं गूगल और एप्पल कंपनी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए जा रहे लोकेशन ट्रैकिंग ऐप्स को बैन करने की घोषणा की है कंपनी ने कहा है इसके लिए कम से कम डाटा कलेक्ट करना होगा और इसे विज्ञापन के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए कुल मिला के दोनों ने अपना संदेह जताया है ठीक है तो ये थे विद्यार्थियों हमारे दस महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि जुड़े हुए थे सात मई से ठीक है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत स्टे होम स्टे सेफ